हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी सुबह की बज चुकी है 5:15 और मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ। गाइस, आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम छठ पूजा पे तिवारी सर के घर गए थे, तो आज है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे को उगते हुए सूरज को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तो तिवारी सर की मिसिज ने बोला कि कल जरूर आना आप, तो इसलिए हम सुबह अब जा रहे हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह उगते सूरज को अर्घ देके अपना व्रत खोलेंगी। तो उन्होंने हमें बोला कि आप आना, तो इसलिए नमन की बुआ और मैं जा रहे हैं। बच्चे तो सोए हुए हैं, फिर आके बच्चों को उठाऊंगी क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना है। और ये देखो मेरी आंख पे क्या हो गया है, पता नहीं रात को क्या हुआ, मेरी आंख पे स्वेलिंग आ गई है और आंख में आंख लाल भी हो रही है, पानी भी आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया आंख में। तो कोई नहीं, ये चीजें तो चलती रहती हैं। तो चलते हैं तिवारी सर के घर और देखते हैं उगते सूरज को जल कैसे दिया जाता है, व्रत को कैसे खोला जाता है। हाँ आओ महाराज, तुम पहले आओ। हो गए रेडी? चलो। हाँ जी, नीनी खुल जाती है सुबह से उठे हो चाहे दोपहर को। वैसे 8 बजे उठता है मेरे साथ, आज से उठ गया 5 बजे। हाँ चलो अंदर, खुशबू आ गई है। चलो अंदर, चल जल्दी कर, चल अंदर से। चल अरे अंदर, चल अंदर, आज नहीं जाना ठीक है, अंदर बैठो, ठंड है ऊपर बहुत, उनकी छत पे ठंड होगी इस टाइम। शुभम ले इसको। चलो चलो चलो, देर हो गई है, चलो चलो चलो, 5:30 बज गई। हैरी जाओ, अंधेरा है अभी तो, है ना। यहाँ भाभी कर रही है पूजा की तैयारियाँ। अभी तो अंधेरा ही है। सनराइज कितने बजे होएगा? 6:30 तक, 6:30 बजे। तो अभी ऊपर ठंडक भी है। तो अभी थोड़ा थोड़ा उजाला हो गए हैं और ये देखो, ये भाभी जी ने गन्ने पे काजल लगाया है। मतलब ये कैसे बनाया आपने काजल, कैसे बनाया है? ये दीपक से। हाँ, दीपक जला के इसमें घी डाल के और अच्छा बना दिए। हाँ, मतलब ये काजल बनाया है और यहाँ पे प्रथा होती है, काजल को लगाते हैं। नमन की बुआ लगा रही है अपनी आंखों में, तो ये भी एक प्रथा है। हाँ नहीं, सही लग रहा है। छठ वाले दिन ना ये इस पे सुंदर लगता है। हाँ, अच्छी लग रही है। ये नेचुरल काजल बने, लवे को लगाना रहा शाम को। हाँ लग गया, लग गया, तीखा लगता है, नहीं लग रहा है आँख में। नहीं फाइव टाइम्स लगाते हैं ना। तो ये प्रथा होती है कि 5 बार सिंदूर लगाया जाता है। 5 बार सिंदूर लगाया जाता है, तो वो वाली प्रथा चल रही है। आदित्य को लगाओगी? आदित्य आ जाओ, लगवाओ काजल, छठ मैया का काजल। चलो जल्दी दे। सबका बन रहा था वीडियो, सब सुंदर लग रहे थे, ठीक है ना। बस अब मम्मी सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हैं क्योंकि सूर्योदय हो गया है।
पूजा समाप्त हुई। मम्मी छठ मैया का आशीर्वाद ले रही है, पूजा समाप्त हो गई। जय छठी मैया की, जय सूर्य भगवान की। इसको छोड़ के जाओ तो बस ये उदास हो जाता है। ये बेचारा इधर ही बैठा है। इधर ही बैठा हुआ था। दरवाजा खोला है तो निन्नी कर लेता। अच्छा चल बस, मैं प्रसाद ले लेता। हो गया दे दिया अर्क, ये ऊपर वाले निकाल ले। अच्छा तो गाइज यहाँ बच्चे रेडी हो चुके हैं और लव्या भी बिल्कुल फुल रेडी है। और ये देखो एरी भी ऊपर आ गए। एरी आज, एरी भी आपने देखा कि जल्दी उठ गया था तो ये वापिस सोया नहीं। और ये भी अब लव्या नमन को स्कूल भेज के फिर सोएगा। भाई साहब जल्दी कर, शूज रह गए, जल्दी कर, अंकल नीचे आ गए। लव्या तूने कुछ लिया नहीं पहले? ले लिया, नहीं लिया। भूखी रहेगी क्या सारा दिन? नहीं भूखते। चलो बाय बाय बाय। दीदी को बाय करो। अरे तू कहाँ जा रहे हैं? इसको बुआ के पास छोड़ दे, कहीं तेरे साथ नीचे उतर जाएंगे। देख देख देखिए देख, लव्या के पीछे और बुआ के पीछे दीवाना है ये। बुआ के पास भेज दिया, बुआ को बोल दिया हूँ तू भी जल्दी कर भाई, अंकल नीचे खड़े हैं। A few moments later. ये देखो गाइज, रात को इसके पापा ने 2-2.5 घंटे मेहनत करके इसकी एक्टिविटी बनाई है और मैडम भूल गई है ले जाना। इसने अपने कबर्ड में रख दी और सुबह ले जाना भूल गई। इतनी मेहनत भी की रात को और देखो कितनी प्यारी बनी हुई है। एक एक इसमें मैच बॉक्स लगाया हुआ है, मैच बॉक्स से सारी बनाई हुई है। बहुत मेहनत का काम है इसके पापा ने की है। तो अभी 9 बज चुकी है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज सोमवार है। तो यहाँ मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली है, तो अभी चलते हैं मंदिर। तो मैं मंदिर होके आती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मंदिर में हो आई हूँ और मैंने यहाँ पर अपनी चाय भी बना ली है। तो अभी सबसे पहले चाय पीती हूँ और उसके बाद कलर सबको उठाऊंगी, उनका ब्रेकफास्ट रेडी करूंगी। तो जी यहाँ हमारे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। गुड आफ्टरनून। भूख लग गई थी, आते ही पंजाबी लड़का। अच्छा एक बात बता, मुझे गुस्सा, इससे शादी करवा देना। इससे शादी करवा दूं। लव्या एक चीज के लिए मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है। क्या? पापा ने रात को इतनी मेहनत करके तेरी एक्टिविटी बनाई, बाद में पापा जब सो के उठ के आए तो पापा मेरे को कहते हैं कि सुनीता ले गई है क्या लव्या? वो मैं ले गई होगी, रात को बैग में डाल लिया होगा। मेरे को तो कोई दिखा नहीं, मैंने जब सारा सामान समेटा है तो पापा पता नहीं कहां से निकाल के ले आए। तूने अपने कबर्ड में रख दिया था रात को। तुझे ये नहीं पता कि आगे रखूंगी चीज तो मुझे दिख जाएगी सुबह? मैम ने बोला नहीं कि कहाँ एक्टिविटी? मैंने मैम में एक डेट देंगी ग्रुप पे। हाँ? अच्छा बच गई तो डांट पड़ती। तो गाइज अभी शाम की 5:30 बज चुकी है, नमन ट्यूशन पढ़ के भी आ चुका है। अब मेरी आई बिल्कुल ठीक हो गई है। सुबह तो इतना पानी आ रहा था, लाल भी हो रही थी और स्वेलिंग भी आ गई थी, क्योंकि रात को मुझे आईज में जैसे थोड़ी खुजली हुई तो मैंने ज्यादा रब कर दी, तो उसकी वजह से तो आंख खुली नहीं रही थी सुबह और पानी निकल रहा था। तो मैंने दिन में 3-4 बार मतलब ठंडे पानी से छींटे मारी है, तो अब पहले से काफी सही हो गई है। और अभी मैं नमन के लिए बना रही हूँ मैगी, क्योंकि नमन कह रहे मुझे भूख लगी है, तो नमन के लिए मैगी बना रही हूँ। और अपने लिए बना रही हूँ मीठे चावल, क्योंकि आज फास्ट है और आज मेरा लास्ट फास्ट है। आज का फास्ट रख के 16 पूरे हो जाएंगे और नेक्स्ट सोमवार को मुझे करना है उद्यापन, तो आज है 16वां सोमवार। तो अभी मैं बनाती हूँ मीठे चावल। ये 2 गन्ने आए हैं तिवारी सर के घर से, जो उन्होंने पूजा में यूज किए थे। और ये देखो उन्होंने खाने के लिए भेजे और ये खेल रहे हैं, खुद भी खेल रही है, एरी को भी खिला रही है। और ये देखो क्यों मार रहे उसको, लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी अभी। नहीं लव्या नहीं, ये देखिए देखिए, ओए होए होए, अब डरता क्या है? डरता क्या, क्यों मार रहा है? एरी देख रहा है, एरी एरी कह रहे मैं भी खेल लूंगा। ग्रह युद्ध छिड़ चुका है नमन और लव्या में, ये देख लो। लव्या आ जा चुपचाप इधर, एरी को लेके इसको खिला दे, कि खेल रहा था इसके साथ। ये खेलने की, ये कह रहे मैं पकड़ूंगा। ओए 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 नहीं कर, लग जाएगी एक दूसरे को।
अरे इसको पकड़वा, कह रहे मैं पकड़ूंगा गन्ना। नहीं ये देखो भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ता हुआ, एरी भी इंजॉय कर रहा है इस युद्ध में। रहने दे उसको, ये रहे वो देख रहा है उसको, जंप करवा। ये देखे जंप करेगा इसको, देखे देख 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 देख, खड़ा खड़े इसको जंप करवा, लग जाएगी तुम्हें। ये एरी कह रहे मैं देख, एरी खड़ा हो रहा है बार बार, नहीं लग